Hey guys, welcome back to the new video. तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर ना ही कोई टॉप 10 वीडियो है, ना ही कोई थ्योरी वीडियो है, ना ही पोकेमॉन की वीडियोस होकर भी नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है यार, पोकेमॉन फ्रेंचाइज को 25 साल हो गए हैं एंड ऐसी समय के साथ फ्रेंचाइज चले जा रही है एंड ये हमारा फेवरेट एनिमे रह चुका है एंड इसी पे वीडियो बना बना के मैं लाइक 170,000 लोग, मतलब एक रूम के अंदर फिट नहीं आ सकते, इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। एंड एक महीने के अंदर 2 लाख भी हो जाएंगे, उसमें कोई देरी की बात नहीं है एंड तुम्हारा सपोर्ट बना रहा है, देन कोई भी अचीवमेंट दूर नहीं है। बट बीइंग अ पोकेमॉन फैन, तुम्हारी और मेरी एक स्पेशल कनेक्शन है पोकेमॉन एनिमे से। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ हाउ आई फेल इन लव विद पोकेमॉन एनिमे। देखो यार, समय के साथ साथ तुमने भी काफ़ी सारे एनिमे देखे एंड मैंने भी काफ़ी सारे एनिमे देखे, बट स्टिल हमारे दिल में पोकेमॉन की अलग ही जगह है। इवन मेरा एक दोस्त है जिसने लाइक 100 से 150 से ज़्यादा एनिमे देख रखे हैं, बट स्टिल वो पोकेमॉन की गेम्स खेलना उतना ही पसंद करता है। इवन मैं भी पोकेमॉन एनिमे अभी भी मेरे लिए काफ़ी क्लोज है। तो चलो बात करते हैं कि हाउ आई फेल इन लव विद पोकेमॉन एनिमे। लेकिन तुम्हें भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना पड़ेगा तुम्हें कैसे पोकेमॉन एनिमे से था प्यार हुआ, तो मुझे बताना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक नहीं बस कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, मुझे काफ़ी मजा आएगा एंड तुमसे कनेक्टेड रहने में ही असली खुशी है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया देखो यार, काफ़ी वास्ट कंट्री है। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से देखते हो, बट मैं ऑफकोर्स इंडिया का हूँ, देन मैं उसी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तुम्हें पता है यार, इंडिया में पोकेमॉन का क्या हाल है, किस तरीके से आता है, तुम्हें ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से पता ही है। 10 एपिसोड दिखाते हैं, बंद कर देते हैं। सो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात थी। देखो यार, जब मैं 4 साल का था देन मैं एक शो देखा करता था जिसका नाम था नॉडी। ऑफकोर्स इसका कोई स्टोरी से लेने देना नहीं है, बट मैं तब भी तुम्हें बताऊंगा एंड तुम सुनोगे, तो चुपचाप से सुनो। देखो यार, इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, ठीक है। एंड मैं रहता था पहले ईस्टर्न साइड में, यानी कि असम के साइड में, एंड फिर मेरे पापा की जॉब इधर की हो गई थी नॉर्थ साइड। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं उस वक्त सिर्फ 4 साल का था एंड मेरा जन्म 2006 में हुआ है और मैं इस पर 15 साल का हो जाऊँगा 13 जुलाई को, ठीक है। तो उस वक्त इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ कि आधा सामान तो हम लोग को वहीं छोड़ना पड़ा एंड हम लोग नॉर्थ इंडिया शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तो अब क्या था ना कि मेरा एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, क्योंकि मेरा DTH कनेक्शन, TV वगैरह सब वहीं पर आ गया था, तो मुझे डिपेंड होना पड़ा था CD एंड DVDs के अंदर। मेरी बात मानो तो अगर तुम्हें एक्चुअली पोकेमॉन के मज़े लेने ना, देन CD एंड DVDs आर बेस्ट। जो मूवीज़ तुम अभी 2019 एंड 2018 में देख रहे हो, वो मूवीज़ मैं 2012 में देख चुका हूँ, क्योंकि वो CDs के अंदर वो सारे पोकेमॉन एपिसोड्स, वो सारे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन मूवीज़ लाइक हो वाली, एंटे वाली मूवी, डिओक्सिस वाली मूवी, ये सब मैं 2012 के अंदर देख चुका हूँ। लाइक मैं पोकेमॉन को इतनी शुरुआत से फॉलो करता था। इवन मैंने पोकेमॉन को इतने बार देखा था क्योंकि ऑफकोर्स मैं CD एंड DVDs पर देखता था, तो मुझे कोई नया शो तो मिलता नहीं था, तो मैं CDs और DVDs को इतने बार देख लेता था कि मुझे पोकेमॉन के एग्जैक्ट डायलॉग्स याद हो गए थे हिंदी के। तुम लोग समझ सकते हो मैं कितना ज़्यादा पोकेमॉन का फ़ैन था। इवन समय के साथ साथ जितना मुझे याद है, ये पहले Disney XD करके एक चैनल था, उस पर 4 बजे आता था एंड 5 बजे बेबलेट आता था, ऐसा कुछ शायद से टाइमिंग था। तो 4 बजे जब पोकेमॉन आता था तब मैं उस पर डिपेंड हुआ एंड मुझे पोकेमॉन देखना फिर बहुत पसंद आने लगा। अब बात यहाँ पे एक और चीज़ ये भी हो गई थी, बीच में ऐसा सिचुएशन आया था नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ पे केबल कनेक्शन हटाए जा रहे थे एंड DTH वगैरह मिलने लग गया था। तो केबल तो हट गया था लेकिन DTH वाला हमारे एरिया में आया नहीं था, लेकिन हमारे पड़ोसी वाले थे, उनके पास DTH था। देन मैं पोकेमॉन का इतना बड़ा फ़ैन कि लिटरली मैं दूसरे के घर पे घुस के जाके पोकेमॉन देख रहा हूँ, क्योंकि 4 बजे पोकेमॉन आया करता था एंड मुझे होएन और सिनो का बहुत अच्छा एपिसोड देखने मिल रहा था। एज यू नो, मैं इंडिया का निवासी हूँ एंड बैंड बज गई थी पोकेमॉन एनिमे देखने में। सिर्फ पोकेमॉन ही नहीं, ड्रैगन बॉल और बैंटेन जैसे और भी कमाल के शोज आया करते थे, बट द पॉइंट इज 10 एपिसोड दिखाने के बाद वो लोग बंद कर देते थे। मतलब इतना बुरा हाल चलता था कि धीरे धीरे करके मेरा पोकेमॉन से कम्प्लीटली इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मतलब मैं पोकेमॉन को देखना क्या, पीकाचू का नाम तक एक वक्त के लिए भूल चुका था, मतलब इतना बुरा हाल। बट धीरे धीरे करके मैं जैसे 5th क्लास में आया, मेरे को मेरा दोस्त मिला जिसने मुझे पोकेमॉन फायर रेड रिकमेंड किया, जो कि मुझे लगा मैं पोकेमॉन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो आई डिसाइडेड कि मैं पोकेमॉन के गेम्स खेलना ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि एनिमे तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही कंप्लीट करके बैठा था। इवन जब तुम लोग होएन देख रहे थे देन मैं पोकेमॉन XY का 1st सीजन तक देख रखा था, मतलब इतना ज़्यादा मैं पोकेमॉन का क्रेजी फैन था।
था. एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैं पोकेमॉन फायर एड खेल रहा था, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मेरी टीम के अंदर मेरा स्टार्टर चार्जर था जो कि 80 लेवल का था एंड बाकी के पोकेमॉन 20-20 लेवल के थे और मैं फाइट कर रहा था पोकेमॉन चैंपियन से. मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने सिर्फ चार्जर को ट्रेन किया एंड बाकी पोकेमॉन्स को मैंने ट्रेन भी नहीं किया था. मैं इतना बड़ा नूबड़ा. बट समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई एंड अभी मैं काफ़ी प्रो हो चुका हूँ पोकेमॉन गेम्स के अंदर. एंड दैट्स हाउ मुझे पोकेमॉन के अंदर वापस से इंटरेस्ट आ गया एंड फिर मैंने बिंज वॉच कर डाला पोकेमॉन को. इसका मतलब ये है मैंने एक महीने के अंदर पोकेमॉन कांटो से लेके पूरा कालोस कंप्लीट. ब्रो देख रहे हो कितना गंदे तरीके से मैंने वॉच किया पोकेमॉन को. और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे करके पोकेमॉन ब्लैक टू व्हाइट टू इंडिया में काफ़ी फेमस हो गया. देन मैंने वो खेलना चालू किया. अब मैं क्रिएटर का नाम तो नहीं लूँगा, डेफिनेटली ही इज़ बिगर देन मी एंड उसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, बट इट डजंट मैटर. वो बंदा पोकेमॉन ब्लैक टू व्हाइट टू खेलता था एंड मैंने धीरे धीरे करके इससे इंटरेस्ट आया एंड फिर मैंने पोकेमॉन गेम्स को फॉलो करना चालू किया है. तो ऐसे करके मुझे इंडियन पोकेमॉन कम्युनिटी के बारे में पता चला, जहाँ पे तुम लोग काफ़ी सारे अभी क्रिएटर्स को भी देख रहे हो, जहाँ पे मैं भी तुम्हारे तरह एक वक्त सब्सक्राइबर था एंड मैं इनको देखा करता था. बट धीरे धीरे करके मेरा भी इंटरेस्ट जागा एंड आई डिसाइडेड, जब मुझे पोकेमॉन एनीमे इतना पसंद है, मुझे पोकेमॉन के साथ मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी है, लाइक मैं कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ पोकेमॉन देखने के लिए, इवन मैं पड़ोसी के घर घुसता था पोकेमॉन एनीमे देखने के लिए एंड ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें. सो आई डिसाइडेड कि अब मैंने जब पोकेमॉन एनीमे अच्छे तरीके से देख ही लिया है तो मैं पोकेमॉन के वीडियोज़ बनाना चालू करता हूँ. एंड ऐसे करके मैंने पोकेमॉन चैनल क्रिएट किया, दी पोके स्क्वाड, जिसको तुम लोग जानते हो, जिसमें 170,000 सब्सक्राइबर हैं. एंड जब तक तुम शायद उसको फ्यूचर में देख रहे हो, मे बी 1 मिलियन, मे बी 2 लाख, एंड जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो. एंड ऐसा नहीं है, जब मैं पोकेमॉन को देखता था तब मैं काफ़ी सारे स्टूपिड चीज़ें सोचता था, जैसे कि हो और फियरो का कनेक्शन, जिस पर मैंने एक थ्योरी वीडियो भी बनाई है. एंड ऐसे काफ़ी सारे, तुम्हें पता है इस चैनल के अंदर मैं अपने खुद की थ्योरीज बनाता हूँ, नेट की नहीं होती है. जो मुझे लगता था बचपन में मैं वही बताता तुम्हें. मैंने ऐसे काफ़ी स्टूपिड हरकतें की है, जहाँ पर मैंने शाइनी पोकेमॉन को फर्स्ट इंकाउंटर में छोड़ दिया और ऐसे करते करते मुझे पोकेमॉन एनीमे बहुत पसंद आने लग गया. ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पोकेमॉन एनीमे को बचपन से देख रहा हूँ यार, वो मेरा बचपन है, 4 साल से देख रहा हूँ एंड ऐसे करते करते वो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है. अब जब मैं ये सब यादों को वापस से देखता हूँ देन मुझे ये लगता है कि हाँ, मैंने अपना चाइल्डहुड एंजॉय किया एंड मैंने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे शोज़ देखे जो कि मेरे चाइल्डहुड अच्छा बनाते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि तुम ड्रैगन बॉल फैन हो, तुम नारुतो फैन हो, नहीं, तुम डोरेमोन फैन हो, ये भी मैटर नहीं करता. द थिंग विच मैटर इज तुमने कोई शो को अपने बचपन से कनेक्ट किया एंड उसको एंड तक इन्जॉय किया. लाइक वो शो शो नहीं है तुम्हारे लिए, वो शो तुम्हारी एक मेमोरी है, तुम एक समझ रहे हो ना. तो या आज की स्टोरी टाइम को इतना ही रखते हैं एंड अगर और जानना है स्टोरी टाइम तो चुपचाप से 5 लाख सब्सक्राइबर करा दो, इतने में इतना ही मिलता है, ठीक है. एट लास्ट तुम में से काफ़ी लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि मुझे पोकेमॉन गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता, इन सरकास्टिक वे कि तुम नूबड़े हो पोकेमॉन गेम्स के अंदर वगैरह वगैरह. बट एट लास्ट आई लव यू ऑल वेरी मच, ऐसा सपोर्ट बनाए रखना. तो या आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं. कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी स्टोरी जरूर बताना, मैं मुझे काफ़ी मज़ा आएगा यार, आज का दिन मेरा बन जाएगा अगर तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी स्टोरीज वगैरह बताते हो. तो जाओ बताओ, मुझे वेट रहेगा तुम लोग की स्टोरीज पढ़ने का. आई होपफुली मैंने इस वीडियो को डाल दिया, मुझे ये भी नहीं पता मैं इस वीडियो को डालने वाला हूँ कि नहीं. तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय.